बात के बाद आरजेडी ने कहा है कि आपके लिए नई जांच करवाने की जरूरत है, आपको अंग्रेज कदम से मैं किसी के वक्तव्य पर कोई वक्तव्य नहीं देता। जो हालात होता उस हालात पे मैं बोलता और मैंने उसी पर अपनी बात रखा। आप सर जो मांग कर रहे हैं राम मंदिर बनाने को लेकर नया अध्यादेश लाने पे मांग किया है, क्या कह रहे हैं? देखिए 72 साल से ये 71 साल के बाद 72वां साल शुरू हुआ है देश की आज़ादी का। 72 साल में प्रवेश किए हैं, हिंदू ठगा गया, पूरी दुनिया जानता है, भारत के सभी लोग जानते हैं कि देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ। धर्म के आधार पे हुआ और नेहरू ने अगर उस समय काशी मथुरा अयोध्या का निपटारा कर दिया गया होता नेहरू जी के द्वारा तो शायद आज ये दुर्दशा नहीं होती। लेकिन वोट की लालच में उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के दृष्टि से ये प्रॉब्लम छोड़ दिया और आज भी इस सुप्रीम कोर्ट के डेट के पहले पीछे में कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट से यही प्रार्थना किया कि कार्रवाई रोक दी जाए। दुर्भाग्य है इस देश का, 71 साल हो गए, 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था का केंद्र, उस पर चोट पहुंचा लोगों को। लोगों की उम्मीद थी कि डे टू डे इसकी सुनवाई होगी, जबकि देश के अंदर में आधी रात को कोर्ट बैठता हो किसी आतंकवादी के लिए भी, और कई अवार्ड वापसी गैंग शहरी नक्सली जिन्हें कहा जाता उनके लिए भी प्राथमिकता में कोर्ट में तिथि मिलता। लेकिन 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं के मन में चोट पहुंचा है। अब हिंदुओं के शब्र की सीमा टूट रहा है। वोट के सौदागर को जो अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि देश में कुछ वोट के सौदागर भी हैं जो हिंदुओं के आराध्य की अनदेखा की बात करते हैं, लेकिन देश के सामान्य हिंदू आहत हुआ। आगे सरकार न्यायालय मिलकर के यथाशीघ्र इसका रास्ता निकाल।